देखें, एफ ई टू प्लस टू ए एल प्लस टू एफ ई प्लस ए एल टू ओ थ्री इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एन ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड सो दैट द टेम्परेचर इनक्रीजेस अप टू डैश एंड द प्रोसेस इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस. यार ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ है. देखो हो गया रहा है, एफ ई टू ओ थ्री और अल्मोनियम से एफ ई एल टू ओ थ्री बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं कि जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं सो दैट द टेम्परेचर इंक्रीज अप टू. तो करेक्ट आंसर है 3500 एंड प्रोसेस इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज. लेकिन बच्चों ये एमसीक्यूज तो पेपर में आई है, सबसे ज़्यादा आती है कि इस प्रोसेस को कहते क्या हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस. ये बहुत अच्छी तरह नोट कर लो, ठीक है. अच्छा अब यहाँ क्या हो रही है, अल्मोनियम देखो यूज हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड हो रही है. भाई आयरन ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है. कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है ऑफ मेटल ऑक्साइड. और अल्मोनियम यूज कैसे हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे. अल्मोनियम रिड्यूसिंग एजेंट ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है. और ये प्रोसेस कहलाएगा थर्माइट प्रोसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर शुरू में प्लस थ्री था और यहाँ पे ये ज़ीरो रह गया, ठीक है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है अल्मोनियम. एंड प्रोसेस थर्माइट प्रोसेस, टेम्परेचर 3500, सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में.